ये इस निबंधकार की एक मूल्यवान विशेषता रही है और एक विशेष उनका ये साहित्य के प्रति रुझान रहा है। निबंधकार के रूप में आचार्य प्रसाद द्विवेदी को हम इन सारे रूपों के माध्यम से देख सकते हैं। मित्रों, आपने इस विषय को जाना और इस विषय के जरिए आचार्य प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकार के रूप में आप तक पहुँचे हैं और मुझे इसका बड़ा आनंद है कि मैंने उनके सर्व को संक्षेप में रखने का एक सूत्र प्रयास सामान्य प्रयास मैंने किया है। आप सबका आभार मानते हुए मैं अपनी बात को यहाँ रोक रहा हूँ। नमस्कार। Thank you.